हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप नोटपैड की मदद से एक डिजिटल डायरी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही एक फिजिकल डायरी होता है, आप उसमें डेली का हिसाब किताब करते हैं, कुछ बातें लिखते हैं, वैसे ही एक डिजिटल डायरी एकदम फिजिकल डायरी की तरफ काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना वक्त गवाए हमारा ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। पहले आपको नोटपैड ओपन कर लेना है और उसके बाद नोटपैड में लिखना है .log और इसको सेव कर देना है और इसका एक्सटेंशन होगा .txt। .txt देके इसको सेव कर देने के बाद आप देखेंगे इसी तरीके से एक जो फाइल है आपका क्रिएट हो जाएगा। आपका जो फाइल नेम है आप देंगे, उसके बाद .txt देके ये फाइल आप क्रिएट कीजिए और इसके साथ आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप देख सकते हैं टाइम आ गया है, डेट आ गया है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक लिख रहा हूँ हाय फ्रेंड्स, तो इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम फिर से इसको ओपन करेंगे। फिर से जब हमने ओपन किया, अब देख सकते हैं हाय फ्रेंड्स जो हमने लिखा था वो सेव हुआ है। फिर से एक नया नोट देने को बोल रहा है, हम फिर से एक नया नोट लिख के देखते हैं रहता है कि नहीं। तो हमने फिर से भी एक नया वर्ड लिख दिया है, तो इसको भी हम सेव करेंगे और देखेंगे ये सेव होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये भी सेव हो गया। तो ऐसे करके आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।